को लोग मानते हैं। आप भी वही हैं, आपके अंदर भी वही चैतन्य आत्मा है, आप भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और उससे आगे का भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भक्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था सत्संग के बारे में कि सत्य क्या है और संग क्या है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य का बोध जो है वो सतगुरुदेव भगवान कराते हैं, जिनको बंदी छोर कहते हैं और जीव को बंदा कहते हैं। ये मैंने पीछे कहा था कि जीव को बंदा क्यों कहते हैं। जीव जो है इस शरीर के अंदर है, बहुत दरवाजे हैं, ये भी एक दरवाजे की बात हो रही है जहां से ऊपर को रास्ते गए हैं, धनों के लिए, स्वर्ग लोक के लिए, ब्रह्मा के लोक के लिए, भगवान विष्णु के गोलोक धाम के लिए, भगवान शंकर के शिवलोक के लिए। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जैसे किताबों में लिखी हो, वो हम बता रहे हैं आप लोगों को और आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही कथाओं में भी सुनते हैं। लेकिन योग के द्वारा हम वहां जा सकते हैं, उस लोक में, और उस लोक के पुरुष से मिल सकते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद जो है सहस्त्र दल कमल है जो झांझरी द्वीप के लिए जा रास्ता का जाता है निरंजन साहब के यहां से, यहां के लिए, जिन निरंजन साहब के तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव। उसके ऊपर जो है दसम द्वार है, इस दसम द्वार से सतलोक के लिए रास्ता गया है। सतलोक से भी ऊपर अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम है और उसके ऊपर दयाल धाम है, दयाल देश है, यहां दयाल पुरुष निहंग अरु अरे स्वरूप में विद्यमान है, जहां का ये संदेश है। उसके ऊपर भी द्वर पूरब है। कबीर कहते हैं कि हम पूरब के पूरबिया बात न जाने कोई, हम पूरब के पूरबिया बात न जाने कोई, और बातें जाने सो जना जो ध्रुव पूरब का। की जय। तो हम पूरब की बात कहते हैं, लोग पूरब की बात नहीं कहते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए उनके समझ में नहीं आता है। प्रेमी भक्तों, जीव को बंदा इसलिए कहा जाता है कि जीव जो है दस प्राण, दस इंद्रियां और पांच तत्व का बना हुआ जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसके अंदर फिर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर फिर एक और है कारण शरीर, उसके अंदर एक और है महाकारण शरीर, महाकारण शरीर के अंदर एक और है केवल शरीर। ये पांच शरीर जो है, उस पांच शरीरों के बाद फिर अदेह, निज देह, निज स्वरूप या चैतन्य आत्मा ये है। तो ये पांच आवरण है, ढक्कन है, पर्दे हैं, दस प्राण हैं, दस इंद्रियां हैं, चार अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहं, और ये सब काल भगवान ने और उनकी पत्नी अद्या महामाया ने लगाए हैं कि ये जीव जो है इतने गहरे में उसे बंद कर दिया है, बंद किया है, तभी तो उसको बंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदा।
जो बंदी छोर सदगुरुदेव है वो इन सारी चीजों में बंधे होने के बाद इस शरीर में जो ऊपर दसवां दरवाजा है वो जीव तक गया है, जहां तक जीव बैठा है वहां तक खुला है। भाई से इशारा करते हैं कि ए ऊपर को देख, ऊपर देख जरा, ऊपर रास्ता गया है, निकल करके आ बाहर, ऊपर आ जा, ऊपर मैं हूं, सूर्य दीप पर मैं बैठा हुआ हूं, तू आ ऊपर और देख ये शब्द, ये शब्द तेरे घर के लिए जा रहा है, इसको पकड़। प्रेमी भक्तों, लेकिन इस बात को लोग कम सुनते हैं, कम मानते हैं, कम जानना चाहते हैं। प्रेमी भक्तों, लेकिन हमें जानना यही है, जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे कबीर कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव को ताका अनंत विचार, एक शब्द गुरुदेव को ताका अनंत विचार, था के मुन जन पंडिता वेदन पायो पार। एक ऐसा शब्द है जो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया है, ताका अनंत विचार, उसका ध्यान किया, स्मरण किया, श्रुति को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो है हम अंदर से बाहर आए, शरीर से निकल करके दसवें दरवाजे से होकर के, वैसे दसवें दरवाजे में अंदर भी एक पहरा लगा हुआ था अचिंत पुरुष का, और ऊपर शून्य दीप पर जो है पूर्ण सदगुरुदेव विराजमान है, जो सतलोक ही नहीं उसके ऊपर अगम लोक, अलग लोक, अनामी धाम, दयाल देश में निवास करने वाले। उन्होंने बताया बेटा तू ऊपर आ, और अचिंत पुरुष से कहा दे मेरा कोई भक्त हो जो वास्तव में मेरे अपने घर जाना चाहता हो, मेरे धाम में आना चाहता हो, उसके लिए दरवाजा खोल देना, उसके लिए दरवाजा बंद नहीं है, केवल बंदा के लिए बंद है, निर्बंध के लिए बंद नहीं है। प्रेमी भक्तों, उसी को कबीर कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव को ताका अनंत विचार, अनंत कहते हैं अनंत जिसका कोई अंत नहीं, और जितने भी शब्द हैं उनका अंत है। जब तुम्हारा ये शरीर भस्म होगा, जब काल जो है शरीर को भस्म करेगा, तो पहले कर्मेंद्रियां शिथिल होंगी, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, कर्मेंद्रियों मुख आता है, हाथ आते हैं, पैर आता है, लिंग गुदा आता है। तो जो तुम माला जप रहे हो, जो मौ से जाप जप रहे हो, ये जाप बंद हो जाएगा, माला बंद हो जाएगा, हो जाएगी कि नहीं? ऐसे तो ना कहो कि चंद्र आते हुए बागे पाद में, हमारी समझ में तो चंद्रना है, जब मन वालों आदमी हो तब मत सुना है, मरने के पहले ये काल जो है वो पिंचर करने लगता है उसे, ये देखता है कि अब ये कैसे कहां जाता है, माला छुड़वाए दो, जाप छुड़वाए दो। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां शिथिल होती हैं, तो जीव भीतर नेक आदि अगर टन टन कर दिखाओ बंद, आंखें से दिखाई दी वो बंद, कानन से सुनाई दी वो बंद, अब क्या करो? फिर ये जो श्वास है, दस प्राण है, ये सभी प्राण जो है मुख प्राण में आ जाते हैं, जब मुख प्राण में आ जाते हैं, जो हमारा श्वसन शुद्ध तरीके से चल रहा है, एक मिनट में 12 बार श्वासें आ रही हैं, इनकी गति जो है बदल जाती है, श्वास भारी पड़ जाती है तो श्वास फिर झटका लेकर के आने लगती है। कैसे आती है? इधर देखिए, हमने देखा है
और आप लोगों ने भी देखा होगा तो सांस कैसे आती है, ऐसे सांस आती है, यानी सांस में वजन हो जाता है। तो जो सांस का जो तुम्हारा जाप है, जो अंदरूनी जाप है, जो अजबा जाप है, वो उसका भी डिस्टर्ब हो जाता है, काल उसको भी रोक देता है। फिर उसके बाद जो ये कच्चा शब्द है, ये पिंड में जो कच्चा शब्द है और ब्रह्मांड में जो पक्का है, साबित है, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये सीढ़ी है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पैर रखो। अगर तुम्हें सभी सीढ़ियों का ज्ञान है तो उसके बंद करने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम ऊपर चढ़ते जाओगे जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हें जाना है। प्रेमी भक्तों, तुम बंदा नहीं निर्बंध हो जाओगे, और बंदी छोर तुम्हें निर्बंध कर देगा। और बंदी छोर उसे ही कहते हैं जो बंधनों से छुटा हुआ है, उसे बंदी छोर नहीं कहते। कि नाम तो है बंदी छोर, है नाम है नैन सुख, और दो आंखें उसे दिखा देना है। नाव तगत सिंह और द्वारे पटुलिया ना है, नाव दरिया सिंह और मोह धोबे को पानी ना है, नाव बंदी छोर और खुद बंदे डरे, अटके डरे, भटके डरे, लटके डरे। कवि साहब ने तभी तो कहा कि कछु अटके हैं कायम मंत्र के जाप में, नाम नाम। कोई ओम, कोई निरंजन, निरंकार, सोहम, सतनाम, आदि नाम, पाताले नाम, सिंध नाम, अदली नाम, अल्लाह नाम, पाक नाम, खुदा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, हिरियम, सिरियम, क्लियम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, एंग, रंग, सोहम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम। बहुत से शब्द हैं, बहुत से नाम हैं, बहुत से मंत्र हैं, इनमें बंधे हैं। ये मंत्र कहां से आए, ये मंत्र कहां से आए, ये मंत्र आदमी ने बनाए, होशियार आदमी ने, चतुर ने। और ये मंत्र बना करके आदमी को उस मंत्र के जाल में, बंदा को मंत्र के जाल में बांध दिया। वह मंत्र के जाल में बंध गया, इसलिए बंदा, इसलिए बंदा। अरे बंदा, तू अपनी बंदिश को छुड़ाना चाहे तो बंदी छोर को ढूंढ, ऐसे बंदी छोर को ढूंढ जो बंधनों से मुक्त हो। निरंजन साहब ने शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये अंदर जो है बैठा दिए, पांच कोतवाल मजबूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कि अगर जीव जो है इससे निकल करके ऊपर के रास्ते की ओर मुंह करता है, जाना चाहता है, तो तुम लोग जो है मदद करना, इसकी पूंछ पकड़ लेना, इसे जाने मत देना। तभी तो कबीर साहब को यह कहना पड़ा कि कछु अटके हैं, कछु भटके हैं। कोई तो जाप में अटके हैं, नाम में अटके हैं, मंत्र में अटके हैं, कोई रास्ता में भटके हैं। रास्ता कहीं से है, कहते हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कुदरती काबे की, ये शरीर जो है ये कुदरती काबा है, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, कि आदमी ने बनाया है, आदमी बना सकता है, नहीं बना सकता आदमी। अगर ये आंख खराब हो जाए तो दूसरे आदमी की आंख को निकाल करके डाल सकता है, ये बात है, दूसरे की आंख को काट करके डाल सकता है, दूसरे के पुर्जे को डाल सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। ये शरीर कुदरत ने बनाया है, और कहां बनाया है, जहां तुम्हारे लिए अंधेरा है, लेकिन वहां अलौकिक दिव्य प्रकाश हमेशा होता रहता है।
कहते हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। ये कुदरती काबा है, इसकी मेहराब माने इसके अंतर तल में घुस करके ऊपर को जो ब्रह्मरंध्र वाला रास्ता गया है उस रास्ते से चढ़कर और दसम द्वार से निकलकर शून्य दीप पर पहुंचकर फिर तू उस शब्द को सुन। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से इत्मीनान से सुन। आ रही घर से सदा तेरे बुलाने की, सदा माने आवाज, जो गैबी आवाज है, जो उस अल्लाह की आवाज है जो भाषा से वर्णों से रहता है, ऐसी आवाज, ऐसा शब्द जिस शब्द का उदाहरण किसी भी शब्द से नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ सारी संसारा संसार है और दूसरे तरफ जो है परमात्मा है। संसार दिखाई देता है और परमात्मा जो है दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है लेकिन है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं कि फिर क्यों भटकता फिर रहा, फिर तू क्यों भटक रहा है और सुनने के बाद भी भटक रहा है, जानने के बाद भी भटक रहा है। अगर कोई ऐसा आदमी है वो ये कह रहा है कि हम जानते हैं और तुम्हें जमाने को ना ही जानते हो तो भागे घूटा के खल लो जाओ, देखे जान तो भी ना ही जानते हो सके, जान दो तो काम हो जाए और ना ज्ञान तो है तुम्हें पूछ थरू काट लिए न तुम्हें पकड़ ले वो। फिर क्यों भटकता फिर रहा तू यो तला से यार में, अरे इंसान के बंदा तू फिर क्यों बना है, तू अपनी बंदिश को क्यों नहीं छुड़ाता है और किसकी तलाश कर रहा है। फिर क्यों भटकता फिर रहा तू अए तला से यार में,